और इसी बीच बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के रायसेन से जहां ओवरलोड रेत परिवहन पर कार्रवाई की गई है, 7 ओवरलोड डंपर विजिलेंस टीम ने पकड़ लिए हैं। आरटीओ विभाग के सामने डंपर खड़े कराए गए हैं। बड़ी खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं, जहां विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। ओवरलोड रेत परिवहन पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि धड़ल्ले से रेत का परिवहन चल रहा है, जिसे लेकर 7 ओवरलोड डंपर विजिलेंस टीम ने पकड़े हैं। आरटीओ विभाग के सामने डंपर खड़े कराए गए हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से आपको यह खबर बता रहे हैं। ओवरलोड रेत परिवहन पर यह कार्रवाई की गई है और 7 ओवरलोड डंपर विजिलेंस टीम ने पकड़े हैं। आरटीओ विभाग के सामने डंपर खड़े कराए गए हैं। बड़ी खबर आपको रायसेन से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बफी पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बफी, क्या है पूरा मामला, जहां विजिलेंस टीम ने ओवरलोड रेत परिवहन करने वाले डंपर पर कार्रवाई की है और 7 डंपर यहां पर पकड़े गए हैं, पूरी जानकारी बफी? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, यहां जिले भर में लगभग यहां 30 से 35 खदानें होने के बाद अभी वर्तमान पोजीशन में एक खदान चालू है। यहां से लगातार रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। इसी के चलते लगातार अवैध डंपरों का जो परिवहन है वो उसमें आज विजिलेंस टीम जो है भोपाल की यहाँ पे पूरे जिले भर में भ्रमण पे थी। इसी में 7 डंपरों को इन्होंने रायसेन आरटीओ ऑफिस के सामने पकड़ा है। इन पर कार्रवाई जारी है जी। और देखने वाली बात इसमें ये होगी कि पूरे जिले भर में जो है एक मात्र खदान है और एक मात्र खदान से इतने अवैध परिवहन किया जा रहा है, ओवरलोड डंपर निकले जा रहे हैं यहाँ से, तो इसमें विजिलेंस को कार्रवाई करना पड़ रही है, ताकि जिला मुख्यालय पे जो बैठे हुए माइनिंग के अधिकारी हैं इनको कम से कम इतना चीज देखना है कि यहाँ से क्या हो रहा है। जिला मुख्यालय के सामने से ही, नजदीक से ही डंपर गुजरते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे में बड़ी कार्रवाई है मानी जा रही। फिलहाल बफी, जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको यह बड़ी खबर रायसेन से बता रहे हैं, जहां विजिलेंस टीम ने यह कार्रवाई की है और 7 ओवरलोड डंपर को पकड़ लिया गया है।